नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। के वाई पी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से ईजी पे ऐप का कंप्लीट केवाईसी कर पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में। और पूरे डिटेल्स में हम आपको बताते हैं कि कैसे ईजी पे का केवाईसी एंड ई केवाईसी कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं, और यहाँ जो ईजी पे है, अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे और जा करके वहाँ से ईजी पे ऐप्स को इंस्टॉल कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि गूगल प्ले स्टोर में आ गए हैं और यहाँ पे मेरा ईजी पे इंस्टॉल है। तो इस तरीक़े से आपको भी इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। तो हम आ जाते हैं ईजी पे एप्लीकेशन पे और इसको ओपन कर देते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीक़े से एक नया इंटरफेस ओपन होगा। जैसे ही आपके मोबाइल का स्क्रीन इस तरीके से शो होगा तो कुछ देर के बाद आपके सामने इस तरीके से पॉपअप ओपन होगा। अब इसको अलाउ कर देना है, सारे पॉपअप को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो नंबर रजिस्टर्ड है। उसके बाद जो आपके पास पासवर्ड मिला है उस पासवर्ड को डाल देना है, और डालने के बाद लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ देर के लिए सर्च करेगा, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ डाल करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओटीपी डाल करके वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे अलाउ लोकेशन मांगेगा, यानी अपना लोकेशन ऑन करना है, तो आप मोबाइल का लोकेशन ऑन कर दीजिए। जैसे ही मोबाइल का लोकेशन ऑन करेंगे तो आपके सामने फिर से इस तरीके से नया पेज ओपन होगा, और यहाँ पे लिखेगा कंप्लीट योर केवाईसी। यहाँ पर आपको 3 स्टेप में केवाईसी करना है, तो तीनों स्टेप को बारी बारी से ई केवाईसी या केवाईसी करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ पहले से भरा हुआ है और कुछ बॉक्स खाली है। तो जो बॉक्स खाली है उसको हम बारी बारी से फिलअप कर देंगे। तो चलिए हम फटाफट से जो खाली बॉक्स है उसको भर लेते हैं, जैसे कि अल्टरनेटिव मोबाइल्स नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड के नंबर, और अपना एड्रेस जो डिटेल्स में देना है उसको दे देते हैं। सारे खाली बॉक्स को भरने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो स्टेप 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो फोटो लेना है, यानी सेल्फी लेना है, सेल्फी फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद आधार कार्ड का फ्रंट और उसके बाद आधार कार्ड का बैक दोनों अपलोड करना है। तो इस तरीके से हम बारी बारी से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे हम सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, तो आप देखेंगे कि पहला स्टेप फिलअप हो चुका है, दूसरा स्टेप हो चुका है, तीसरा स्टेप में सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने फिलअप कर दिया है। उसके बाद एड्रेस मांग रहा है, यानी शॉप का एड्रेस मांग रहे हैं, यानी आपका दुकान का एड्रेस कहाँ है उस दुकान का एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट। अपलोड होने के बाद यहाँ पे जो मांग रहा प्रोसीड है टू ई के वाई सी, अब यहाँ प्रोसीड टू ई के वाई सी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ जो फॉर्म है वो सारे चीज़ भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको करना क्या है, टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे हम फिर से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, जो 6 डिजिट का रहेगा। उस ओटीपी को अब हमको यहाँ फिलअप करना है, और ओटीपी को फिलअप करने के बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद आ जाएगा डिवाइस सेलेक्ट करने को, यानी अब जो आपके पास डिवाइस है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद कैप्चर पर क्लिक करके अपना थंब रखेंगे, थंब रखने के बाद आपका कैप्चर सेलेक्ट हो जाएगा, और सेलेक्ट करने के बाद फिर से वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पर आप क्लिक करते हैं तो आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। यानी इस तरीका से आप अपना कंप्लीट केवाईसी एंड ई केवाईसी कर पाएंगे अपने मोबाइल के थ्रू ईजी पे एप्लीकेशन का। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे अपना कंप्लीट केवाईसी एंड ई केवाईसी कर पाएंगे, वो भी मोबाइल के थ्रू ईजी पे एप्लीकेशन का। तो सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे।